आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में NSUI के द्वारा भिलाई में हो रहे गुंडागर्दी को लेकर भिलाई के ग्लोब चौक पर BJP भिलाई शाखा का पुतला दहन किया गया। NSUI प्रदेश महासचिव आकाश का कहना है कि भिलाई में लगातार भाजपा के द्वारा गुंडागर्दी की जा रही है। कुछ दिनों पहले भाजपाइयों ने नेहरू नगर में प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय पुलिस अधिकारी आशीष बनचोर का अंगूठा तोड़ दिया गया है। वही जामुल थाने में थानेदार के ऊपर केरोसिन का छिड़काव कर दिया गया। ये सब के विरोध में NSUI के द्वारा भिलाई शाखा का पुतला दहन किया गया। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो भिलाई शाखा है उनके द्वारा भिलाई के माहौल को खराब करने के लिए गुंडागर्दी की जा रही है। हाल में देखा गया, नेहरूनगर प्रदर्शन के दौरान भिलाई छावनी के सीएसपी आशीष बनचोर जी का अंगूठा तोड़ दिया गया, उसका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया और ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो कि जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। अभी जामुल थाने में कार्यक्रम के दौरान वहाँ की जो तैयारी उनके ऊपर मिट्टी के छिड़का गया, ऐसी जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई। तो यही सब को देखते हुए, जबकि भिलाई में इतना शांतिप्रिय माहौल है, पुलिस लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करने के लिए शांतिपूर्वक आपको व्यवस्था प्रदान करी, उसके बाद भी उनका ऐसा प्रहार पुलिस वालों पर, यह हमें किसी भी एंगल से सही नहीं लगा। इसलिए हमने सत्य के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की भिलाई शाखा का विरोध किया है, उनका पुतला दहन किया।